बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको मेरे न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। और मैं आया हूँ राव शाहबुद्दीन के डेरे पे, और मैं मेरे साथ बैठे हुए कर्नल जाहिद, वो राव शाहबुद्दीन के साहिबजादे के दोस्त हैं। और इधर आते रहते हैं, वो क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं दुबई खेलने, जब वापस आते हैं तो इधर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो कर्नल साहब, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करवाए, आपने कैसे कहाँ से क्रिकेट शुरू की और क्या खेला, फिर आप दुबई गए खेलने? मैं पाकिस्तान से ही मतलब कि क्रिकेट स्टार्ट की, अपने गली से, फिर गांव से शहर से, शहर से, फिर आउट ऑफ सिटी, हर जगह पे खेले, बाहर के मुल्क भी खेले जाके। मेरा ये साथ ही गाँव है मलखू की, जहाँ से मैंने हार्डवेयर स्टार्ट की, और मेरे दोस्त हैं छोटे और सारे दोस्त यार हैं, वहाँ पर मैंने अपनी लेदर बॉल स्टार्ट की थी। टेप बॉल तो मैं खेलता था अपनी सोसाइटी में जाके, तो हार्ड बॉल जो मैं बेसिकली वो मैंने अपनी ये गांव से स्टार्ट की थी मलखू की से। फिर वहाँ से खेलते खेलते अल्लाह पाक ने इज्जत दी, टेप बॉल में एक नाम बना। उसके बाद फिर खेलते खेलते अल्लाह पाक ने T10 भी खिला दिया, फिर दुबई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पर खेलता हूँ। और मैं ऑलमोस्ट 2 साल से वहाँ पर हूँ, और जब भी टाइम मिलता है, जब छुट्टी होती है, पाकिस्तान आते हैं, तो राहुल साहब के जो साहबजादे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कदीर हैं, एहसान हैं, और भी जो भाई साहब हैं, सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो इधर आके टाइम स्पेंड। आप बताएं कि पाकिस्तान और दुबई की क्रिकेट में क्या कमाल है, कि इधर क्या और दुबई में? पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत फास्ट है, तो इस लिहाज से यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली मैचेज वगैरह होते हैं। वहाँ पे मैचेज होते हैं, लेकिन वो जैसे हमारे क्लब लेवल क्रिकेट होती है, फिर डोमेस्टिक होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पे 2 सिर्फ टीमें हैं, एक बी डिवीज़न, एक ए डिवीज़न। जो सी है वो बिल्कुल नॉर्मल क्लास की है, और जो ए डिवीज़न है वो समझ लो कि उधर की फ़र्स्ट क्लास है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ की ए डिवीज़न खेल रहे हैं, और जिसमें हमारी टीम में माशाल्लाह 3 से 4 प्लेयर UAE के खेल रहे हैं, तो इंडियन हमारा ओनर है और बहुत अच्छी टीम है और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, ए डिवीज़न में क्या होता है, बी डिवीज़न में क्या होता है? ए डिवीज़न जैसे कि आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास होती है, वहाँ पर आप परफॉर्म करते हो, सीधा पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे एक लॉ है कि आपने 3 साल वहाँ पे ही रहना है, तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे के तो उनकी कैंप में जाना है, और फिर आपने कैंप ज्वाइन करना, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर वो अपनी टीम के साथ आपको रख लेते हैं। 3 साल वहाँ पे आपने रहना है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे या दुबई? मैं तो जहाँ से भी मुझे मिलेगी क्रिकेट मैं वहाँ से खेलूँगा, क्योंकि मैं आई लव क्रिकेट, और ये नहीं है कि आज मैं इधर से खेल रहा हूँ तो उधर से नहीं। अपनी एफर्ट जारी रखो, जहाँ से भी नाम आता है खेलो, क्रिकेट ही खेलनी है आपने, आपने खेलनी है, पाकिस्तान के लिए भी खेलोगे एक बहुत बड़ी इज़ाज़त की बात है। अगर वहाँ से चांस नहीं मिलता तो आप किसी और कंट्री से खेल लो, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपने वहाँ से ही आपने चांस लेते रहना। जब आपको पता है कि यार वहाँ पे क्रिकेट नहीं मिल रही, तो आप किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे अपना परफॉर्म करो, 2-3 साल बाद आप नेशनल खेल जाओगे। जी तो आपको पढ़ाई का शौक था या आपने क्रिकेट खेलनी शुरू से? पढ़ाई का शौक भाई सीधी बात है, 6ठी 7वीं तक सही पढ़ते रहे थे, लेकिन उसके बाद क्रिकेट में फोकस आ गया अपना, वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाते थे तो पढ़ाई भूल गए थे, सीधी बात है। फिर घर वालों को सीधा ही बोला कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं क्रिकेट ही खेलूँगा, तो वो कहते ये कोई काम है या पढ़ाई है? तो मैंने कहा बस मुझे एक शौक है क्रिकेट खेलने का। तो ऑलमोस्ट मेरी फैमिली ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, मेरे अब्बू ने, अम्मी ने, और उन्होंने मेरे को कहा ही नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र रखते हैं कि मैंने उनका एक काम बनाया। जी तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ कर्नल जाहिद, जिन्होंने क्रिकेट में अपना बहुत ही नाम कमाया। पहले पाकिस्तान में गली कोचों से क्रिकेट इन्होंने शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टेप बॉल के बाद इन्होंने हार्ड बॉल शुरू की, और फिर ये दुबई गए, दुबई में माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही नाम कमाया, और फिर अब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान या किसी और टीम में ज़रूर खेलेंगे, खेलें या पाकिस्तान से खेलें। क्रिकेट तो आपके लिए इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा, और अपने फैंस और चाहने वाले से कह दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी बिल्कुल, इनके चैनल है, क्या नाम है आपके? उस्मान रिजवान ब्लॉग इनका ये ऑफिशियल चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।